वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुश आमदीद उन व्यूअर्स ने जिन्होंने अभी ज्वाइन किया, उनको बताते चलूँ आज हम बात कर रहे हैं सीने में दर्द के हवाले से, जिसकी बहुत सारी वजूहत होती हैं। लेकिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट तब्बा हार्ट इंस्टीट्यूट डॉक्टर बशीर हनीफ साहब। कॉलर्स का बहुत रश है, बहुत ज़्यादा कॉल्स हैं, तो मैंने अभी और डॉक्टर साहब ने डिसाइड किया है कि हम कल भी इसी टॉपिक के साथ मौजूद होंगे। तो वो लोग जिनके अभी कॉल्स नहीं मिल पा रही हैं या जिनकी कॉल हम नहीं ले सकते, तो वो परेशान ना हो, कल हम मौजूद होंगे। और जिन कॉलर्स के हमने सवाल ले लिए हैं उनके हम सवाल के जवाब देना शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब, हबीब साहब, सीने में दर्द रहता है अक्सर और बेशतर, खाने खाने से इसके एसोसिएशन है। तो हबीब साहब का दर्द जिस तरह वो बता रहे हैं, मोस्ट लाइकली ये उसका एसिडिटी का या तेजाबियत का ज़्यादा लगता है, खाने के बाद ज़्यादा होता है। ऑल दो ये बात जहन में रखें कि दिल का दर्द भी खाने के बाद कभी बढ़ सकता है, लेकिन जिस तरह वो बता रहे थे एग्जर्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कभी कभार होता है खाने के बाद, इसलिए ये मोस्ट लाइकली वो ज़्यादा खाने की वजह से उनका वो प्रॉब्लम हो जाता है, तो उसका हार्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। तो उसमें वही है जिस तरह वो कहते हैं कभी कभार वो ले लेते हैं एसिडिटी वगैरह की दवा, तो एंटी एसिड्स ले लेते हैं, एंटी एसिड्स ले लेते हैं, वो ले लिया करें। ठीक है हबीब साहब, खुशखबरी ये है कि लगता नहीं है कि आपको दिल का दर्द है, तो वो जो आप गोलियां ले रहे हैं जो एंटी एसिड्स के डोमेन में आती हैं वो आप लेते रहें। लेकिन एक मशवरा दूंगा, एक फैमिली फिजिशियन के पास जाके अपना मुआयना ज़रूर करवा लीजिए, ताकि ये मसले का हल भी मौजूद है हमारे यहाँ। मोहम्मद यूसुफ साहब, इनका मसला ये था कि इनका बाईपास सर्जरी हुई थी और बाईपास के बाद इनके जो है जो स्टिचेस लगे थे उसमें इन्फेक्शन हो गया था, फिर बाकायदा पस निकालना पड़ा। लेकिन अब ये है कि 6 साल हो गए इस बात को, लेकिन अब ये कि कभी कभार उनको दर्द रहता है, तो वो परेशान हो जाते हैं कि कहीं दोबारा कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो गया। आपको क्या लगता है इनका जो मेन कंसर्न था कि मुझे कैसे डिफ्रेंशिएट करूँगा कि ये दिल का है या ये तारों की वजह से है, तो एक तो ये है कि उनको याद होगा कि जब बाईपास से पहले उनको किस तरह का दर्द होता था, कि वो उसी तरह का दर्द दिल का होगा जैसे बाईपास से पहले होता था। और दूसरा ये कि वही बात मैं भर कहूँगा कि अगर एग्जर्शन में चलने फिरने में नहीं होता, अचानक कभी कभी बैठे बैठे हो जाता है और सेम टाइप का पेन हर बार होता है और उसके साथ कोई और सिम्टम नहीं होते, तो मोस्ट लाइकली ये तारों का ही है। अगर फिर भी वो कंसर्न है तो मैं ये सजेस्ट करूँगा या तो खुद थोड़ा सा ब्रिस्क वॉक करके देखें कि उस पेन में कोई फ़र्क आता है, या एक स्ट्रेस टेस्ट करवा के देख लें तो उससे क्लियरली पता चल जाएगा। अगर ये लेट्स सी ट्रेडमिल पे ये 7-8 मिनट चलते हैं, इनको दर्द नहीं होता, तो इसका मतलब है वो हार्ट का नहीं बल्कि वो तारों की वजह से है। 65 साल इनकी उम्र है। नहीं, बिल्कुल ठीक है यूसुफ साहब, आपने सुन लिया होगा। हमारे एक और कॉलर्स, तो आज क्योंकि ईद का एक तो दिन भी है और ईद के दिन चल रहे हैं अभी, और दूसरा है कि बहुत दिनों बाद आज बहुत सारे लोगों से हमारे इस टाइम पे मुलाकात हो रही है। निसार साहब एक और बहुत ही काबिल एहतराम हमारे कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम निसार साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह आप खैरियत से हैं? बस डॉक्टर साहब बड़ी मायूसी में, आप दोनों हजरात को ईद मुबारक हो। पहले तो वाकई आपको भी मार, लेकिन इतनी मायूसी क्यों है डॉक्टर साहब? बात यह है कि आपको मैं गन पॉइंट पे रख के कहूँ कि आप मुस्कुराएं, तो क्या मुस्कुराएंगे? गन पॉइंट पे आप कहेंगे तो मुस्कुरा तो लेंगे, लेकिन बड़ी परेशानी वाली मुस्कुराहट होगी। डॉक्टर साहब कहने को तो हम मुसलमान हैं, टीवी को वॉल्यूम बंद कर दें। निसार साहब पहले टीवी को वॉल्यूम बंद कर दें। अच्छा, मकसद ये डॉक्टर साहब कि जिसके घर में ना लाइट हो ना पानी हो, और एक तरफ खौफ आ रहा था, मोबाइल सर्विस पूरी ब्लॉक कर दी गई है, तो उसके घर की क्या ईद, वो शहर वालों की क्या ईद होगी? ठीक है डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा दूसरी बात ये डॉक्टर साहब, मेन जो बात करनी थी मुझे वो ये कि मैं वैसे बेसिकली स्मोकर हूँ, और ये कि कभी कभी मुझे सीने में लेफ्ट हैंड को वो पेन होता है हल्का लेफ्ट साइड पे। जी जी, और आपको याद दिलाते चलूं कि मैंने कुछ अरसे पहले हार्ट डिजीज हॉस्पिटल में वो जो जिसमें रनिंग करते हैं, वो जो मशीन होती है, उसमें मुझे टेस्ट का याद नहीं आ रहा, स्ट्रेस टेस्ट होता था, थर्म टेस्ट, एग्जैक्टली वही, तो वो करवाया था, लेकिन उन्होंने क्लियर रिपोर्ट आई थी माशाल्लाह। तो खुदा ना खासा कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं होगी हार्ट की, या कोई आप सजेस्ट करेंगे कोई और मतलब कोई टेस्ट करवाऊं? एक सवाल जो डॉक्टर साहब हर एक से पूछ रहे हैं, ये दर्द चलने फिरने से इसका कोई ताल्लुक है? जनाब चलने फिरने में दर्द बढ़ जाता है? नहीं चलने से, लेटने से डॉक्टर साहब, चलने फिरने में कुछ नहीं होता, लेटने से हल्का माइनर सा दर्द होता है। डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगे? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अभी आपके सवाल को एड्रेस कर लेते हैं। अच्छा अब मसला ये है कि शाजिया साहिबा की वालदा का जो कह रहे थे दिल का साइज बढ़ गया है उनका, अगर सिर्फ उस पर चेस्ट एक्सरे पे आया है तो फिर तो कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। अगर कह रही हैं कि सांस फूलता है, तो फिर मैं ये सजेस्ट करूंगा कि वाकई देखने के लिए कि साइज़ बड़ा हुआ है या नहीं, उसमें फिर दिल का अल्ट्रासाउंड या इकोकार्डियोग्राम कराना पड़ेगा, तो उससे पता चल जाएगा कि साइज़ बड़ा हुआ है या नहीं, या उसके लिए किन दवाओं की ज़रूरत है। ठीक है फाजिया साहिबा,
इनके अक्सर कहती हैं कि घबराहट होती है, पसीने आते हैं कभी कभार, लेकिन वो यही कह रही थी कि इन्होंने स्ट्रेस टेस्ट अपेरेंटली ट्रेड मशीन पे चली थी ये, और ऑलमोस्ट 13 मिनट चली थी और वो नेगेटिव आया था। अगर कोई 13 मिनट ट्रेडमिल पे चल लेता है और सिम्टम नहीं होते और स्ट्रेस टेस्ट नेगेटिव आता है तो हार्ट का तो नहीं हो सकता। अच्छा, इस वक्त ये हॉट फ्लैशेस कह रही हैं एज ऑफ 40, सम टाइम मेनोपॉजल या प्री मेनोपॉजल भी ये होता है, हो सकता है खवातीन में कि हॉट फ्लैशेस हो रहे होते हैं, घबराहट हो रही होती है, बॉडी स्वेटिंग उनको बहुत ज़्यादा हो रही थी। आपने अच्छा सवाल पूछा कि थायराइड का टेस्ट उनको डेफिनेटली करवाना चाहिए। ये सिंपल सा ब्लड टेस्ट है और इससे पता चलता है सम टाइम ये गदूद होती है गले में, जो कि अगर हाइपर एक्टिव हो जाए तो उसकी वजह से भी पसीने आते हैं जी, तो वो चेक करा लें तो उससे पता चल जाएगा। दूसरा, दर्द जो है आपको, जैसे हमने कहा कि और भी कई वजूहत हो सकती हैं, मस्कुलर पेन हो सकता है, जॉइंट्स का हो सकता है, बोन्स का हो सकता है, हार्ट का तो नहीं लगता जिस तरह आप बता रही हैं कि इतना एक्सरसाइज के बाद। या तो ये थायराइड का सस्पेक्टेड है या प्री मेनोपॉजल जो होता है कि जिसमें हॉट फ्लैशेज हो रहे होते हैं, तो एक दफ़ा आप फिजिशियन से अपना मुआयना ज़रूर करवा लें। अच्छा निसार साहब, इनका जो आप क्या कह रहे हैं सिलसिला, ये इन्होंने इनका स्ट्रेस टेस्ट, हाँ इन्होंने भी स्ट्रेस टेस्ट अगर करवाया जिस तरह ये बता रहे हैं कि मशीन के अंदर भी गए थे और वॉक भी किया था, वो क्लियर आया है, ठीक है, तो वो टेस्ट जो है तकरीबन ऑलमोस्ट 80-90% एक्यूरेट होता है, और अगर वो नॉर्मल है तो फिर कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। अब मसला है कि परेशानी वाली बात क्या क्या हो सकती है, इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे, और अगर परेशानी की बात है भी तो उसका हल क्या है, और उस परेशानी से बचने का जो कि दिल का दर्द है उसका हल क्या है, और वो लोग जो कि इस परेशानी से गुजर गए हैं, जिनके बाईपास हो गए हैं या एंजियोप्लास्टी हो चुकी हैं, वो लोग दोबारा इस परेशानी में तो नहीं आ सकते, अगर आ रहे हैं तो उनसे कैसे बचें, सारी बातें रह गई जो कि हम कल करेंगे। और डॉक्टर बशीर रहींगी साहब बहुत शुक्रिया आज आप इस प्रोग्राम में हाजिर हुए, और ये कि इंशाल्लाह ताला बस ये कि अल्लाह ताला आपको और आपके इदारे को मज़ीद हिम्मत दे, और कल भी आपसे मुलाकात हो रही होगी। नाज़रीन था हमारा आज का प्रोग्राम, और परेशान ना हो जिन लोगों की कॉल्स अभी मुझे बताया जा रहा है बहुत कॉलर्स मौजूद हैं, लेकिन कल हम दोबारा मौजूद होंगे, और ये है कि जिन जिनके अभी सवाल के जवाब में अभी तिश्नगी रह गई वो भी हम कल डिस्कस करेंगे और आपके सवाल भी लेंगे। और आप चाहें तो मुझे ईमेल कर सकते हैं clinic.online@health-tv.tv, या फेसबुक पे जाइए क्लिनिक ऑनलाइन के पेज को आप सर्च करके उसको सब्सक्राइब करके अपने सवाल से हमें आगाह कर सकते हैं। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा, और आप सब लोग बस ये कि अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और बहुत सारी खुशियाँ दें। और निसार साहब से ये कहूँगा, अगर आपको अल्लाह ने आपकी आँखें दी हैं और आपकी नज़र आपको आ रहा है, हाथ पांव चल रहे हैं, आपके घर में आपकी वालिद वालदा हैं, बीवी बच्चे हैं, आप बहुत खुशनसीब इंसान हैं, ठीक है, लाइट नहीं तो कोई बात नहीं, जो चीज़ है उस पर कनात करें, उस पर खुश हों। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।